हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायामीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक कंपनी पैकेज करती है अपना मिल्क पाउडर सिलेंड्रिकल कंटेनर में। ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दे रखा है जिसका बेस कितना है, डायामीटर जिसकी 14 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है उसकी 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेज अ लेबल अराउंड द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। कंपनी ने क्या किया है, एक लेबल को लगाया है उस कंटेनर के चारों तरफ, लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन फिगर। इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। देखो ये एक पूरा कंटेनर था कोई, ठीक है, उसमें ये पाउडर्ड मिल्क जहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक लेबल है, ये वाला, ये एक लेबल है जो कि 2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे है और 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे ऊपर है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब देखो मेरे को एरिया किसका निकालना है, इस लेबल का। लेबल का एरिया कैसे निकलेगा, देखो जरा, बड़ा सिंपल है। टॉप और बॉटम तो है नहीं इसमें, ठीक है, ऐसे ही राउंड किया होगा, तो सिर्फ क्या निकलेगा इसका, लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में, 2 पाई आर एच। तो इसकी हाइट कितनी होगी, आर तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, जो ये बेस है ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आर तो, लेकिन ये हाइट कितनी आई होगी, ये वाली देखो टोटल कितनी थी, ये 20 20 में से माइनस करेंगे हम क्या, 2 ये और 2 ये, 2 प्लस 2 कितनी होगी, 4। कितनी आ गई है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर की इसकी हाइट आ गई, समझ रहे हो। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हाइट ऑफ द लेबल, हाइट ऑफ द लेबल, क्योंकि उसने क्या पूछा है आपसे, क्या निकालना है आपको, एरिया, एरिया सिर्फ लेबल का, ठीक है। तो एरिया इसमें कौन सा निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ लेटर सरफेस एरिया, क्योंकि बॉटम और जो टॉप है वो तो है ही नहीं ना। आप देखा होगा आपने, कोई बोतल है, बोतल के चारों तरफ एक चिपकाया हुआ है आपने लेबल, ठीक है, तो उसका ऊपर का बॉटम और टॉप तो नहीं होगा ना, सिर्फ सिर्फ क्या होगा, ओनली ऐसे चारों तरफ लपेटा होगा, वो क्या होता है, सिर्फ लेटर सरफेस एरिया। तो हाइट ऑफ द लेबल हमें पता चल गया था 20 माइनस 4 16 सेंटीमीटर थी, और रेडियस कितनी आ जाएगी, डायमीटर थी 14 डिवाइड बाय 2 कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर की। तो अब तो आपको पता ही है, तो हम यहाँ निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेबल, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, सिलेंड्रिकल शेप में है तो 2 पाई आर एच, ठीक है ना, क्योंकि कंटेनर भी कैसा है उसका, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो जो लेबल भी लगाया होगा वो सिलेंड्रिकल ही लगाया होगा, उसके ऊपर तो चिपकाया है, तो शेप कैसी आई होगी उसकी, लेबल की भी सिलेंड्रिकल आई होगी। तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, 7, और हाइट कितनी आई है, 16 आई है हमारे पास, 7 से 7, और ये आ गया 44 × 16, 44 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, ये आ गया 4 10, और ये 7 कितना आ गया, ये 704 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्या आया है आपके पास, एरिया ऑफ द लेबल आया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना था कि इसमें ये हाइट कितनी लेनी है हमें, बिकॉज 2 ऊपर से है और 2 नीचे से, ये ऐसे लगाया, मतलब जगह छोड़ी होती है ना, जैसे ऊपर से भी 2 और नीचे से भी 2, तो ये मतलब इतनी ये होगा लेबल, तो लेबल क्या, टोटल 20 है, 20 में से ये 2 और ये 2 ऐड करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 20 माइनस 4 कितना आ गया था, ये 16 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तो बस ये एक्सरसाइज यहीं तक थी आपकी। तो सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको पता चल गया होगा, थोड़ा सा बेस ठीक हो हमारा, और आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, ओके, थैंक यू।